कहते दुशासन, इतना गुस्से में कैसे है आज तू? हम तो आज खुश हैं, गुस्से में कहाँ हैं? गुस्सा सा लग रहा है मुझे तो। नहीं, गुस्सा थोड़ा बहुत है, वो भी अब ठंडा होने वाला है कुछ ही देर में। क्या बात है, आज तू मेरे महल में चल के आया है? महल में चल के आया हूँ। हाँ, और तुझको भी चलना पड़ेगा मेरे साथ में। ये बता बात क्या है? बात यह है कि मेरे भाई दुर्योधन ने तुम्हें भरी सभा में याद किया है, मेरे साथ में तुम्हें चलना पड़ेगा। तेरा भाई दुर्योधन ने मुझे क्यों याद किया है? तेरा आरता उतारने के लिए किया है। अच्छा, क्यों याद किया है? सुन, अपने भाई दुर्योधन से कह दियो, हाँ, वो आ जाए या किसी और को ले वाले, द्रौपदी को ले जाने की किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। अच्छा, हाँ, या तो राजी से चल, नहीं तो द्रौपदी हम जबरदस्ती करना भी जानते हैं। नहीं जाऊंगी। अच्छा, हाँ, सुन ले मेरी बात। कह दे अपनी बात। अरे द्रौपदी चाल मेरे संग में, और अंधेकारी अंधा याद करे। अच्छा, वही अंधा जो चलते चलते ठोकर खा गया था, आज तेरी बहुत याद आ रही है उसे। तो सुन ले मेरी बात। हो मैं सपहा में जाने लायक ना, मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। मैं सपहा में जाने लायक ना, मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। द्रौपदी चाल मेरे संग में, अंधे का अंधा याद करे। सपहा में जाने से बड़े का अपमान नहीं किया, और तूने तो अपने जेठ का अपमान किया। देवर जी, आप बहुत बोल रहे हो, तुम्हें ये नहीं दिखाई देता कि आपके सामने कौन खड़ी है? आपकी भाभी खड़ी है। भाभी का रिश्ता एक माँ के समान होता है। पैर छुए जाते हैं भाभी के। ठीक है, तू गलत फहमी में है। मैं बिल्कुल गलत फहमी, बहुत बड़ी गलत फहमी में हो रही है। इतना ज्यादा गुस्सा मत करो, भाभी नहीं है। ठंडे दिमाग से काम लो। ना तो रानी है, ना पांचाली है। अच्छा, ना कोई भाभी है, अब तो तू हमारी दासियों की भी दासी है। तेरी? हाँ, तेरी दासी। हाँ, हमारी दासी, हमारी दासियों की भी दासी। सुनो, ये दासी पंती ना
कहीं और जाके दिखाइयो, यहाँ नहीं चलेगी द्रौपदी के सामने। अच्छा। बहुत देर से फालतू बोल रहा है और मैं तेरी सुन रही हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं तो क्या कर लेगी? नहीं तो चल बताती हूँ क्या करती हूँ। अपनी खता बताई नहीं मेरे जितनी और किसे में देवर मिले समाई नहीं और तेरे ते जाता मारे कुल में और बज जात लुगाई नहीं बेकाय दे तब बोले हम मत ना खाती तेरी कमाई नहीं बेकाय दे तब बोले मत ना खाती तेरी कमाई नहीं देखना चाहवे अच्छा। नंगा नाच देखना चाहवे नंगा नाच देखना चाहवे वो दुर्योधन परमा दे करे नहीं किसे में जोर ऐसा जो गंगा जी मजा दे करे मैं सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों ही चल बर्बाद करे जी तुझे पकड़ के ले जाऊंगा। एक बार कहती तुझे समझ नहीं आता, आज उस क्षत्रियों की सभा में तेरा बहुत इंतजार हो रहा है। अच्छा हाँ, मेरा क्षत्रिय भाई दुर्योधन भी बहुत याद कर रहा है। तेरा भाई भी क्षत्रिय है और तू भी क्षत्रिय है? हाँ हम क्षत्रिय हैं। तू क्षत्रिय है? हाँ हम क्षत्रिय हैं। ऐसा कर क्षत्रियता बॉडी दिखा दे अपनी। ले देख बॉडी। देखो ये क्षत्रिय है, इसका छत्रापन तो खत्म रह गया, बस छतरी छतरी बच रही है। ये छतरी बताते हैं अपने आप को। तुम्हारे अस्त्र शस्त्र तीर तलवार भले चलाना ये सब कुछ बस की नहीं रहा, छतरी कहते हो अपने आप को। अब पता है तुम क्या हो? ऐसे करके हो, ताली बजाते हो और एक क्या मन से मांगते हो, ये हो तुम। ठीक है पंचाली, बहुत लप्पी लप बोल रही है, इसको क्यों नहीं बंद करते ना? या कि लप्पी लप तो ले डूबी।
जी। हाँ जी, मैंने उस दुर्योधन को साथ एक छोटा सा ही तो मजाक किया था। आप तो जी लगा के बोल रही है, क्या करूं, तुम में तो अकल नहीं है। अच्छा, तुझमें तो कूट कूट के भरी हुई है। कूट कूट के यहाँ से लेके यहाँ तक अकल है मेरे में। मैंने उनके साथ एक छोटा सा मजाक किया था, वो जा रहे थे और एकदम से गिर गए। अच्छा, तो मैंने कह दिया अंधे, तो ये छोटा सा। हाँ, अंधे के तो अंधे ही होते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन तुझे, तुम भी अंधे हो चुके हो कि माँ समान भाभी से ऐसे बातें कर रहे हो। चल, हम अंधे हैं ये माना। हाँ, लेकिन आज भरी सभा में जाकर के तुझे ये अंधे के अंधे दिखाना चाहते हैं कि आज तेरा नाच देखकर वो दिखाएंगे, तुझे समझाएंगे कि आज भी मेरा भाई अंधे का अंधा है या उसने आंख बनवा ली है, तेरा नाच देखना चाहता है। अच्छा, हाँ। कहीं ऐसा ना हो मेरे बदले तू ही नाचने लग जाए। सजन, आइए अंतिम कली में किस प्रकार से केवल क्या पता। हाँ। एरा पेड़ दूसरा लगी जमा मने, पेड़ दूसरा लगी जमा मने, पहला पोया काट्या ना। भरले द्रौपदी पहले करा होया, भरले द्रौपदी पहले करा होया, भरले द्रौपदी मत ताजा खड़ी फिसाद करे। मन सिंह के भजनों की नित नहीं रघुनाथ खरा दे करे। मैं सभा में जाए लायक ना मेरी कोई जबर बात करे। मैं सभा में जाए लायक ना मेरी कोई का अंधा याद करे।